आपको दिखाऊंगा जीरो करके कितना, मतलब कितना किलोमीटर चलेगी, कितना धंधा होगा, क्या होगा। और मैंने गाड़ी चलाई है 134 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी आज मैं सुबह जल्दी निकल गया हूँ, मेरी गाड़ी पंचर है, अभी यहाँ पे लेके जा रहा हूँ गाड़ी को। सबसे पहले पंचर बनवाऊंगा, पंचर बनाने के बाद थोड़ा गाड़ी धुलवाना है, मुझे कम से कम आज 1 घंटा लगेगा। और आज आपको दिखाऊंगा जीरो करके कितना, मतलब कितना किलोमीटर चलेगी, कितना धंधा होगा, क्या होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही डाउन है अभी। जितने भी, मतलब चाहे कोई भी कारोबार हो, कुछ भी हो, सारे कारोबार एकदम ठंडे चल रहे हैं, तो वो हिसाब से हम लोग का भी मतलब डाउन है। सो गाइस, अभी हमारा टायर बन चुका है, अब इसको फिटिंग कराना है, क्योंकि वो स्टेपनी था उसको चेंज करा के फिर इसको लगवाएंगे। अभी भाई साहब चेंज कर देंगे। तो गाइस, ये हमारा टायर चेंज हो रहा है, और इधर को हल्की फुल्की बारिश भी चालू हो गई है। चलता हूँ मैंने, जब तक अंदर वेट करता हूँ, ये भाई साहब 2 मिनट लगेगा चेंज करने में, फटाफट हो जाता है। सो गाइस, अभी हमें गाड़ी धो के हो गई, पंचर भी हो गया, सब कंप्लीट हो गया। अब मैंने दोपहर का लंच लेने के लिए घर पे भी आ गया था। अभी मुझे, अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे अभी मैं लॉगिन करूंगा, अभी यहाँ से जीरो कर दिया मैंने। और ये देखो अभी टाइमिंग हो गया, ये मेरा डिवाइस है। और गाड़ी में कैसा रहता है ओला उबेर का, कि उसमें देखो ये मोबाइल रहता है, इसमें ऐप खोलेंगे, इसमें देखो 3 ऐप है, एक रेपिडो है, एक ओला है, एक उबेर है। ये तीनों ऐप चला सकते हैं, कोई कोई एक ही चलाता है, कोई मतलब अगर उसमें भाड़ा नहीं आया तो दूसरा चला सकते हैं। पहले सिर्फ यही 2 ऐप था, ये रेपिडो जो है बाद में आया है, एक इन ड्राइव है, वो मैं नहीं चलाता हूँ, बट ये तीन ही है, 3 ऐप चलाते हैं। और ये देखो हमारा हो गया है अभी जीरो, मैंने 0-0 कर लिया हूँ। और हमारी CNG एक कम हो गई है, क्योंकि मैं थोड़ा चला दिया था, तो 3 अभी पॉइंट है जो ग्रीन है, वो जैसे जैसे CNG कम होगी वो वैसे वैसे ग्रीन लाइट कम होते जाएगी। तो अभी आज की जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज संडे है, संडे के दिन रोड थोड़ा खाली रहेगा, उतना नहीं रहता, बट समझ लो कि 30% ट्रैफिक कम हो जाती है, छुट्टी वगैरह रहती है, ऑफिस वगैरह सब बंद रहती है, उस वो हिसाब से रोड थोड़ा खाली रहेगा। बारिश के टाइम में थोड़ा ट्रैफिक होती है, क्योंकि रोड्स वगैरह जो ख़राब रहते हैं तो गाड़ी स्लो चलती है, इसके लिए ट्रैफिक होती है। चलते हैं, अभी निकालते हैं यहाँ से, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो गाइस, अभी सबसे पहली बुकिंग आ गई है, जाना है चेंबूर। और ये देख ले, कुछ ऐसा दिखाता है, ये उबेर में बुकिंग आई है, नीचे नाम दिखाएगा, और ये नेविगेशन चालू करना है। अभी ये पिकअप पॉइंट का दिखाएगा मुझे, यहाँ से देखो 1 मिनट की दूरी पे बुकिंग है। अभी वहाँ से जब पिकअप करूँगा, इसमें OTP डालूँगा, फिर मुझे ड्रॉप लोकेशन दिखाएगा यहाँ से। अरे जब भी बुकिंग आई थी अभी उसमें सब दिखाता है कितना टाइम लगेगा ड्रॉप का, तो 25 मिनट दिखा रहा था। अभी OTP डालने के बाद फिर देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा। और हमारा जो कस्टमर है यहीं कहीं वेट कर रहा है, वडाला स्टेशन पे आ गया हूँ मैं, और ये भाई साहब है। सो गाइज, मैंने पहली बुकिंग कर दी कंप्लीट, 20 मिनट लगा, टाइम दिखा रहा था 26 मिनट, बट 20 ही मिनट लगा। बहुत ही मतलब रोड, जैसे मैंने बताया ना, आज संडे है तो रोड सारे खाली है। और फ्री वे से मैंने आया, जो वडाला के बाजू में है, वहाँ से जो अनुशक्ति नगर बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे ड्रॉप किया हूँ मैंने। और कुछ इतना पैसा मिला, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये बुकिंग का कितना पैसा मिला, करीब 10 किलोमीटर था वहाँ से यहाँ तक का। और मेरे पास एक और बुकिंग आई है, बट यहाँ पे जाना नहीं है, क्योंकि टाइम थोड़ा गलत दिखा रहा है, देखो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि देखो 176 रुपीज़ मिला है, और यहाँ से क्लिक करूँगा तो पूरा डिटेल आएगा। ये देखो, ये आज की बुकिंग का, ये आया है 596 रुपीज़, बट ये बहुत दूर है, 46 किलोमीटर है, 47 किलोमीटर के आसपास में है, बट ये भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बहुत दूर है, और वो हिसाब से पैसा कम दे रहा है। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे, देखो 2:01 से मैंने इसको पिकअप किया था, और ये 178 का कैश कलेक्टेड है, 176 का जो मेरी अर्निंग हुई है, मेरी कमाई हुई है, क्योंकि उसके पास और भी वॉलेट में बैलेंस था, इसके लिए वहाँ पे मतलब और पे नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से कट गया है। और ये 23 मिनट लगा है, जो मैंने 20 मिनट बोला था, 23 मिनट में उसको मतलब ड्रॉप करने में, और 3 मिनट जो मैं बताया था पिकअप करने में लगा, वो तीनों जोड़ के यहाँ दिखाया है। देखो ये सब ऐसा पूरा डिटेल आ जाता है, डेट आ जाएगा, टाइमिंग सब कुछ आ जाता है।
और ये है अनुशक्ति नगर जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है। यहाँ पे एकदम देख रहे जंगल है, वो इसके बिल्डिंग के पीछे जाएंगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। उसके जंगल के अंदर में थोड़ा थोड़ा ऐसा सोसाइटी बनाया हुआ है और ये रोड सारे मतलब ये देखो सोसाइटी के अंदर ये सब छोटे छोटे रोड है, जैसा मेन रोड रहता है वैसा अंदर का रोड है ये। और मैं हूँ एकदम बीचों बीच में, एक दो गाड़ी वगैरह दिख रही है। पूरा गवर्नमेंट की सोसाइटी है, प्राइवेट एक भी नहीं है, जितनी भी है सब गवर्नमेंट के। और मैं वेट कर रहा हूँ अभी दूसरी बुकिंग की, अभी तक तो आई बहुत लेकिन बहुत सारे ट्रैफिक के एरिया में थी तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें अपनी मर्जी भी होती है, जैसा अपनो जो बुकिंग चाहिए उसको एक्सेप्ट करने का, कुछ सेकंड के अंदर नहीं तो वो आके चली जाएगी। तो जो अपने को बेटर लगेगा, जहाँ मतलब अपने को मालूम है कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगी, तो वो बुकिंग एक्सेप्ट करने का, नहीं तो वेट करने का। वैसे भी दो तीनों ऐप चालू है जिसमें भी बेटर बुकिंग आ गई वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहने का। तो मैंने अभी तक एक बुकिंग कंप्लीट किया है, मुझे 23 मिनट लग गया जो पिकअप और ड्रॉप दोनों मिला के। सो दोस्तों मेरी दूसरी बुकिंग आई है ये ओला में, ये देखो मेरा ओला का ऐप है और ये उबेर का अभी मुझे करना पड़ेगा बंद। ये देखो इसमें कोई बुकिंग नहीं है, वो फाइंडिंग हो रहा है, मतलब बुकिंग ढूंढ रहा है, आएगी तो मिलेगी, उसको मैंने कर दिया बंद। और ये मेरे देखो ओला की बुकिंग आ गई है। अब इसमें थोड़ा सिस्टम है, ये लोकेशन पे पहुंचने के बाद क्लाइंट लोकेट करना पड़ता है ताकि उसको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं। और ये नीचे दिया है ये पिकअप पॉइंट का है। अब ये मेरा नेविगेट है, ये देखो इसमें कुछ सिस्टम है, इसको मैं करूँगा ऑन और यहाँ से दिखाएगा मुझे पिकअप लोकेशन का। एक मिनट की दूरी अभी है, 350 मीटर की दूरी पे है, अभी चलते हैं उसको करते हैं पिकअप। ये मेरी तीसरी बुकिंग है, दो मैंने उबेर में कंप्लीट की और अब ये तीसरी मैं कुलाबा से लेके जाऊंगा इसको ग्रैंड रोड। लेकिन गाइस देखिए यहाँ का लोकेशन कितना अच्छा है, सब जितनी भी बिल्डिंग है आसपास में सारी ब्रिटिश की बनाई हुई है, देखो स्टोन की, सब ब्रिटिश लोग ने यहाँ पे ज़्यादा करके बिल्डिंग सब सारे के सारे जो हैं सब ब्रिटिश के हाथ के ही बनी हुई है। और ये कप परेड का एरिया है, मीन्स ये अपना नरिमन पॉइंट आप लोग ने सुना ही होगा, उसके जस्ट बाजू में। और इसके यहाँ पे जो रोड पे मैं चल रहा हूँ उसके नीचे पूरा मेट्रो का सिस्टम बना हुआ है, मेट्रो चलेगी अंडरग्राउंड। अब हमारा सिग्नल हो गया है बंद, यहाँ से लेना मुझे राइट। ये देखो राइट का लोकेशन दिखा रहा है, जस्ट 220 मीटर और बचा हुआ है। ये जितने भी रोड दिख रहे हैं इसके नीचे से जब मेट्रो का ही है, ये देखो मेट्रो की एंट्री है यहाँ से स्टेशन के लिए। अभी देखो अभी जस्ट सामने ही है पिकअप आने वाला है, भाई वेट कर जा। और ये भाई साहब ने थोड़ा सा वेट नहीं किया और मुझे जाना पड़ेगा आगे। और मैं लगभग पहुँचने की दूरी पे, मतलब पहुँचने के करीब में आ गया हूँ। ये देखो ये पहुंच गया मैं, बट कस्टमर तो अभी दिख नहीं रहा है जिसको पिकअप करना है। यहाँ पे पहले क्लाइंट लोकेट करता हूँ और क्लाइंट लोकेट करने का देखो सिस्टम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले ये ओला का जो सिंबल है उस पर क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा क्लाइंट लोकेट। अब कस्टमर को उसको नोटिफिकेशन मिल गई होगी कि मैं लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर वेटिंग का है, 5 मिनट में वेट कर सकता हूँ। अगर 5 मिनट से पहले करूँगा तो मुझे कैंसिलेशन चार्ज नहीं मिलेगा, मेरा रेटिंग भी मतलब कम हो जाएगा। अगर 5 मिनट के बाद मैं करूँगा तो मुझे 22 रुपया इसका कैंसिलेशन चार्ज मिलेगा, लेकिन ये पूरा जो टाइमिंग चल रहा है उसके बाद, ये 0 होने के बाद। सो गाइज मैं अभी आ गया हूँ, पूरा दिन का जो ट्रैवल था और पूरे दिन की जो बुकिंग थी आज मैं आपको दिखाऊंगा। बट आज कुछ खास नहीं था, आज संडे था, बट अच्छा रहता है संडे के दिन मार्केट अच्छी रहती है, बट आज का संडे बिल्कुल ही मतलब मद्दी था। 60% जो था कि मार्केट पूरा डाउन थी, ऐसा मालूम नहीं क्यों, पहला ऐसा फर्स्ट संडे है जो कि इतना डाउन था। मैं निकला था मैं बताया था ना आपको 2 बजे के आसपास निकला था, अभी बज रहे हैं 10:30। मैं दूर जाऊंगा तो वहां से आना भी मुश्किल था, इसके लिए मैं ज़्यादा दूर गया नहीं। और कुछ खास नहीं था मार्केट में, आप लोग को दिखाता हूँ कितना किलोमीटर चली है। और मैंने 2 ऐप में चलाया है, एक ओला और एक उबेर का, और मैंने गाड़ी चलाई है 134 किलोमीटर। और मेरी जो CNG है ये देखो
एक ग्रीन लाइट बची हुई है, मैंने सीएनजी डाला नहीं, वो उतना जजमेंट निकल जाएगा। और मेरा जो ऐप है देखो, ये उबेर का है, इसमें जो कमाई हुई है आज की 438 की। और मैंने ओला को देखो, मैंने ओला में भी चलाया है, ओला का ओपन करता हूँ और ओला की कुछ कमाई हुई है। ओला में थोड़ा ठीक ठाक था आज, थोड़ा बेटर था उबेर से, थोड़ा बेटर इसकी मार्केट थी। और थोड़ा घूम रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है। और इसमें आज कमाई हुई है 1380 रुपया, मतलब 1380 ये, और प्लस 417, 1700-1800 रुपये का धंधा हुआ है आज। पूरे दिन का धंधा जो है ना 1800 रुपये के आसपास में हुआ, ज़्यादा नहीं था, नहीं तो इतने टाइम में करीब करीब 2500 या 3000 भी हो सकता था। क्योंकि रोड खाली रहते हैं तो फटाफट बुकिंग कंप्लीट होती है। बट कोई बात नहीं, जितना नसीब में रहता है उतना ही लोगों को मिलेगा।